seen this one well. The disciples came into him and asked, "Why did you speak to the people in parables?" He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and will be have an abundance. Whoever does not have even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parable. For seeing they do not see, for hearing they do not hear or understand. In them you fulfill the prophecy of Isaiah, 'You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving.' For these people's heart has become closed. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes, otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and turn, and I would heal them. But blessed are those eyes because they see, and the ear because they hear. And by the holy words, God bless us and give us assistance so that we can action on these holy words. Amen. Amen. उर्दू में मत्ती की अंजील उसका 13वां भाग उसकी 11वीं आयत से लेके 17 आयत तक तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर पूछा, तू लोगों से तफसीलों में बातें क्यों करता है? उसने जवाब दिया, तुम्हें तो आसमान की बादशाही के भेद समझने के काबिलियत दी गई है, लेकिन उन्हें नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास अफराद से होगा, लेकिन जिसके पास नहीं के बराबर है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मैं उनसे तफसीलों में इसलिए बात करता हूँ कि वो देखने को तो देखते हैं मगर पहचान नहीं पाते, वो सुनने को तो सुनते हैं मगर समझ नहीं पाते। इसाया नबी की ये पेशनगोई उन्हीं पर सादिक आती है, तुम सुनते तो रहोगे लेकिन समझोगे नहीं, देखते तो रहोगे लेकिन पहचान ना पाओगे, क्योंकि उस कौम के दिल पर चर्बी छा गई है और वो ऊंचा सुनने लगे हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आंखें देख लें और उनके कान सुन लें, उनके दिल समझ लें और वो मेरी तरफ फिरे और मैं उन्हें शिफा बख्श दूंगा। लेकिन तुम्हारी आंखें मुबारक हैं क्योंकि वो देखती हैं और तुम्हारे कान मुबारक हैं क्योंकि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और खुदा के बंदे चाहते हैं कि जो तुम देखते हो वो भी देखें मगर ना देख सके, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुन सके। एकदम इकराम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Thank you. आइए हम दुआ करें। कुदूस जलाली बाप के सर हम तेरा शुक्र चाहते हैं इस मौके के लिए। Father God, we thank you for this wonderful day that you have given us. And Father God, now we are going to listen your message. कि खुदा बाप जो सब जन के तेरे कलाम को सुनने पर है। Father God, open our ears and eyes and heart. कि हमारे दिल कान और भाई आंखों को खोल, that we can listen your word and see your presence. कि खुदा बाप जो तेरे कलाम को सुने और तेरी मौजूदगी को देख सके। And Father God, we thank you for everything. सब कुछ मांगते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से। Amen. Now today, what is our message? How can we enter the kingdom of God? One more time. How can we enter the kingdom of God? हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? हालेलुया। आमीन। हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? Now today we already listened
The scripture reading from the book of Matthew chapter 13 verse 10 to 16. And here we can see the disciple of Jesus came to him and asked him about the kingdom of God. कि हम देखते हैं कि खुदावंत का कलाम जो अभी हमने पढ़ा है कि खुदावंत के शगीद खुदावंत के पास आते हैं और उससे बातें करते हैं कि तू लोगों से क्यों पैराबल्स में बातें करता है, क्यों तमसीलों में तुमसे कलाम करता है. Therefore Jesus said that the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you. कि यहाँ खुदावंत जो है वो अपने शिक्रितों से कहते हैं कि आसमान की बादशाही के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है, उन लोगों को नहीं दी गई. Now today, once again, we are going to learn about the message about the kingdom of God. आज भी हम खुदावंत के इसी कलाम को सुनेंगे जो पिछले हफ्ते हमने सुना था. पिछले हफ्ते कौन सा कलाम था जी? What is the kingdom of God? कि खुदावंत की बादशाही क्या है? But today, we are going to listen about how we can enter into the kingdom of God. कैसे हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे? We have to prepare ourselves. हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है. Because the time is near. जो वक्त नजदीक है. Now you already know that there are everywhere there is no peace. जहां कहीं भी आप जाते हैं आपको कहीं भी पीस नहीं मिल रहा. लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग परेशान हैं. People are so confused. People are so afraid. What is going to come? कि क्या आने को है? Even in Korea, most of people are protesting against the president. हालांकि यहाँ कोरिया में हम देखते हैं बहुत से कोरियन जो हैं वो जो कोरिया के प्रेसिडेंट उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं क्योंकि उसकी पॉलिसीज उनके हक में नहीं है. Because his policies are not favor to every people who live in Korea. And that's why the people are very confused. लोग बहुत परेशान हैं. Even the pastors, neutrals or anyone who live in Korea. अलग पार्टी साहबान क्रिश्चियंस और दूसरे अकवाम जो हैं वो सारे इस बात से परेशान हैं कि ये प्रेसिडेंट क्या कर रहा है. Even we also have a lot of troubles now coming in Pakistan. अलग हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो इसी तरह की परेशानी चल रही हैं. People don't like the prime minister anymore because his policies, maybe in his side the policies are best, but because of the poor people are going to be more poor. हालांकि उसकी नजर में उसकी पॉलिसीज अच्छी हैं, राइट? मगर वो लोगों की फेवर में नहीं है क्योंकि गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है. And that's why there is no balance of life. जिंदगी का बैलेंस जो है वो अप एंड डाउन हो गया हुआ है, इसलिए लोग परेशान हैं. Not only in Korea, but also in Pakistan. But we Christians should have to be understand about one thing and to understand about our final destination. हम मसीहों को सिर्फ एक ही बात सोचने की जरूरत है और क्या जी? That we are the citizenship of Pakistan. Hallelujah. हम कहाँ की citizen हमारी? खुदा के बादशाही की हमारे पास citizenship है. We don't care about American citizenship. We don't care about any other citizenship. Because Jesus has allowed us the citizenship of the kingdom of God. Hallelujah. कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने मुल्क की जो खुदावंद हमारे लिए तैयार कर रहा है, जो कमरे हमारे लिए तैयार कर रहा है, हम हमारे नामों से हम उसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है. हालेलुया. And there are so many things that we need to correct ourselves. बहुत ऐसी चीजें जो हमें correct करने की जरूरत है. Because the default people are not allowed to go into the kingdom of God. Default समझते हैं आप?
sinners. Default and the sinners are not going to allow into the kingdom of God. गुनाहगार जो हैं वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे. Even the Bible says the righteous will be difficult to enter into the kingdom of God. How the sinner should be. हालांकि खुदा का कलाम हमें डिटेल के साथ बताता है कि रास्तबाज मुश्किल से बादशाह में जाएंगे तो गुनाहगारों का क्या होगा. हालेलुया. इट मींस we should have to change ourselves. In this month we already learning about the kingdom of God. इस अक्टूबर के माह में हम कौन से पैगाम सुन रहे थे? बादशाही के पैगामों को. हालेलुया. And खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? We should have to be prepare ourselves. Change our behavior, change our attitude, and to become a right person before God. Hallelujah. क्या हमें अपने बिहेवियर को अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद की उस बादशाही में दाखिल हों जिसके लिए खुदावंद ने चुना है. Hallelujah. Because we are the chosen people of God. कि खुदा ने हमें चुना है. हम खुदा के लोग हैं और खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बादशाही में उसके साथ रहें. Hallelujah. Even God loves us. Everybody knows that. खुदा हमसे प्यार करता है ना जी? कितना प्यार करता है? How much? Unlimited. Hallelujah. हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. Like just like a parent's love. माँ बाप का प्यार जो होता है वो भी अनलिमिटेड होता है. हालेलुया. बहन भाइयों का प्यार वो भी अनलिमिटेड होता है मगर उसमें भी कभी कभी लिमिट आ जाती है. कंडीशन आ जाती है. माँ बाप के प्यार में कंडीशंस नहीं होती. हालेलुया. Now here we should have to be consider about this subject that the kingdom of God is very important to understand. आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा की बादशाही के बारे में हमें जाने कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम उसकी बादशाही में दाखिल हों. क्योंकि खुदावंद का पाकलाम क्या कहता है कि लोग सुनते तो हैं मगर उनको समझ में नहीं आता. वो देखते तो हैं उनको नजर नहीं आता. पीपल कैन लिसन बट दे कैन नॉट हियर. Yes? People can see but they cannot see. Even they have their eyes. That's why we should have to be turn our eyes and ears and heart into divine purpose of God. इसलिए मैं अपने खुदावंत के लिए अपनी आंखों को अपने कानों को दिल को बदलने की जरूरत है. And we can get by blessed by Jesus. Hallelujah. Now here we can also see in the book of Matthew chapter 13 is talking about the value of the kingdom of God. कि यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये खुदा की बादशाही कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. इसकी बड़ी वैल्यू है. हालेलुया. When we read the book of Matthew chapter 13 verse 45 to 46, Jesus stated, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all he had and brought it. यहाँ खुदावंद का कलाम हमें बताता है मत्ती के जीव उसका 13 बाप उसकी 45-46 ही है कि एक ताजर है और वो ही उस मोती की कीमत को जानता है और जब उसे बेश कीमत मोती मिलता है तो वो क्या करता है जी? वो अपनी सारी जायदाद बेच डालता है और उससे क्या करता है उस मोती को खरीद लेता है क्योंकि वो उसकी वैल्यू को जानता है. But if I found this kind of pearl, what gonna happen to me? Because I don't know the value. I'm gonna throw here and there and it will be loss of the treasure. क्योंकि जब मैं मुझे खुदावंद अगर मोती देता है मुझे उसकी पहचान नहीं है तो वो मेरे लिए क्या है जी? बेफायदा है.
But the people who already know about the valley of the thorn, even he can save his own self even by that. Because he knows that he's very, very able. और यहाँ कुरान का क्रमा बताता है कि खुदा की बादशाह जो है वो वेरी वैल्यूएबल है और वो इसकी पहचान वही लोग कर सकते हैं जो खुदा यीशु मसीह को अपने सच्चे निजात दहिंदा कबूल करते हैं हालेलुया who they already believe in Jesus कि Jesus is the way and the truth and the life कि खुदावंद ही वो रास्ता है खुदावंद ही सच्चाई है और खुदावंद ही जिंदगी है हालेलुया There is no other way. कोई और रास्ता नहीं है सिर्फ खुदावंद ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें बादशाह की तरफ ले जाता है There is only one way and that way is Jesus. You already know about the Adam and Eve. They have been pushed down, pushed out from the heaven, from the Eden, right? जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदावंद की हजूरी से निकाल दिए गए और उनको बागे अदन से निकाल दिया गया और उसके आगे क्या किया गया जी पैरा लगा दिया गया ताकि वो वापस ना जा सके एंड हियर वी कैन सी दैट जीसस केम टू दिस वर्ल्ड के खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए He died on the cross and he paid the price to open the door. कि खुदावंद यीशु मसीह अपने खून से क्या किया जी उसकी कीमत अदा की और उस दरवाजे को खोल दिया ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सके हालेलुया And we already know that many times the John 3:16 for God So God loves the world that whoever believe in him must not perish but get eternal life. जब हम जॉन योहाना की तीसरा बाप उसकी सोलहवीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी जो उसने अपना इकलौता बेटा पास दिया कि जो भी उस पर Amen. That nobody can be punished, but everybody who will believe in Jesus will go into the kingdom of God. You see, these days there are many people who says every religion have the way to go to heaven. Do you believe that? Yes. Who says? Raise your hands. I don't believe that. There is only one way. There is only one Jesus. Everybody trying everything, all the means they are just trying to go. Yeah, but that is a human nature. Knowledge. That's a human knowledge that every religion is the way to go to heaven. But the Bible never said that. Bible said there is only one way. Hallelujah. Or even the Bible says, whoever says Jesus is the Son of God. He will allow to go into the kingdom of God. Hallelujah. Even जो खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदा में यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहता है वो ही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा Otherwise, who is not say that Jesus is the Son of God, he is the Antichrist. वो खुदा के खिलाफ है वो खुदा की तालीम नहीं है Because the Bible says there is only one Jesus, there is only one way. That's why we should have to share this message to those people who have misunderstanding. हमें ये कलाम उन लोगों तक पहुंचाना है जिन लोगों के पास गलत फहमी है कि मेरा मजहब मुझे खुदा की बादशाह की तरफ ले जाएगा If you and me say that every religion is right the way to go to heaven, we are not the true Christians. अगर हम ये कहते हैं कि हर एक मजहब हमें अलाउ करता है कि हम खुदा की बादशाही में जाएंगे तो हमारा ईमान बेफायदा है We have to be stick on the word of God. हमें खुदा के कलाम पर सोचने की जरूरत है इस पर मजबूत होने की जरूरत है Now these days in Pakistan I saw there are many organizations have been
harmony and many interfaith communities. These are Hindu, Muslim, Christians, every Catholics, everybody allowed to go to the kingdom of God. आजकल लोग कहते हैं कि हर एक मजहब जो है वो हमें खुदा की बादशाह में ले जाता है, but the Bible never says that. We should need to understand it. Why we are gathered here? हम क्यों यहाँ बैठे हैं? Because we have a plan, we have a hope, we have a future in God that we will go with Him into the kingdom of God. Hallelujah! कि हमें उम्मीद है कि हम खुदावंद की बादशाह में दाखिल होंगे. That's why we should have to be prepared ourselves. Here, what the Bible says, those people don't want to listen what is true. कि वो लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि शैतान ने क्या किया जी, उनकी आंखों को, उनके कानों को बंद कर दिया. Because the devil has closed their eyes and ears that they cannot listen and see the reality, what is real, what is true. कि वो सच्चाई को क्या करते हैं जी, नहीं पहचानते. क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. हालेलुया. और वो सच्चाई कहां से आती है जी, खुदा के कलाम से. That's why we need to understand what the Bible says. Don't listen what people say that. Now, the first thing is, can people really enter the kingdom of God? क्या लोग, सारे लोग जो हैं वो खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे जी? नहीं. No. Because only those who believe in Jesus, वही जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, वही खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे. वो ये ना कहे कि मैं अगर मसीह, मैं बपतिस्मा ले लिया जी, मैं यीशु मसीह हूँ, कबूल कर लिया, मैं क्रिश्चियन हो गया, मेरा वीजा लग गया जी, मैं खुदा की बादशाह में सिटीजनशिप हो गया. This is very misunderstanding. बहुत से लोगों को ऐसा मुकाबला है. Some people think I'm a Christian, I'm a baptized, and I'm allowed to go into the kingdom of God. But there is a process. इसके एक प्रोसेस है that you should have to take action day by day. Hallelujah. कि हमें इस पर एक्शन, रोज के रोज हम रोटी खाते हैं ना जी? Yes. Everybody we eat, every day we sleep, every day we wake up. तो every day we need to pray. Hallelujah. कि हमें खुदा से दुआ करनी है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, अपने आप पर गौर करना है कि मुझ में कोई कमी तो नहीं. We need to consider ourselves that even I am a good person, I have some troubles. That's why we should have to be change ourselves. Hallelujah. Because there are many people who they don't listen what is true in the Bible. कि खुदा के कलाम को लोग सुनना पसंद नहीं करते. You know, everywhere, even in Korea, the public evangelism is very strict these days. हालांकि यहाँ कोरिया में लोग जो पब्लिक में जाकर कलाम की मनादी करते हैं, उस पर भी लोग तानाशाही कर रहे हैं, सख्ती हो रही है. Now these days you never see the people who can preach into the subways, right? Yeah. But many years, most of the subways people are preaching about the Bible. Because the Bible, because people, the government is against the Christianity. But the one thing we need to understand that we have to prepare ourselves. एक चीज हमें सोचने की जरूरत है कि हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है. आमीन. हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदावंद के आगे रखें, क्योंकि हम ना उस वक्त को जानते हैं, ना उस घड़ी को जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आएंगे. वी डोंट नो व्हेन जीसस विल कम बैक अगेन, बट वी हैव टू बी स्टैंड बाय. हमें अपने आप को क्या करना है, स्टैंड बाय रखना है, तैयार रखना है, ताकि हम खुदावंत के साथ उसकी बादशाही में दाखिल हों.
आप दस तुम्हारे के तमसील तो जानते ही होंगे, पांच उनमें अकलमंद थी और पांच उसमें क्या थे जी, बेवकूफ थी. Now you already know about the ten virgins parable. There are ten. Five are wise and five are foolish. Why? Why we call to the wise and the foolish? Even they have the same plan. They have the same goal. हालांकि उनका plan भी एक जैसा है, उनका goal भी एक जैसा है. घर से तो वो कठिन निकले हैं ना जी? क्या वो दूल्हे की कार आ रही, बारात में जा रही हैं? They are going to in the wedding. Right? They are ready, right? They have the same goal, they have the same destination, they have the same plan. But why we call the five people, the five virgins are the foolish and the five are wise? कि हम इस बात को जानते हैं कि इन दस कुंवारियों का जो मकसद है वो एक है, उनका गोल भी एक है कि उन्होंने उस बारात में जाना है. But the wise are taking an extra veil. Because they think if the bride will late, what's going to happen? Right? Or paanch jo hai wo lapravah hai. That's why they call foolish. Bola ka dekhi jayega jo waqt aayega ji. Aisa hi hai. And we can see when the bride is late, ki jab dulha ko der lagi to wo sab kya karne lagi ji? Sone lagi. जैसे ये बच्चे सो रहे हैं, वो क्या कहने लगी, दसों में दसों सोने लगी. और रात के पहर धूम मची कि दूल्हा आ गया है. Suddenly people call, the bride is come, right? And what happened? The five who have the extra oil, they put the oil into their lamps and burn and enter into the wedding party, right? But before, the foolish are asking, please give us some oil. And they say, oh, no. It's not enough for us that we can share the oil. Even God has given them a chance to prepare themselves, right? But they are lazy. They are sleepy. They don't care about, they don't want to get the extra oil. Go. Extra oil uthana pasand नहीं करते. वह केड़ा पा चुके यारों को जाके देखी जाएंगे. ऐसे ही बंदी यू दिस डे सम पीपल सेज एंजॉय योर लाइफ, हु नोज व्हाट गोना हैपन आफ्टर आफ्टर लाइफ. कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी तो खुशियां करो, बाद में किसने देखा है. बट वी क्रिश्चियंस ऑलरेडी कंफर्मड थ्रू जीसस. क्या हम क्रिश्चियंस ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं कि हमने खुदा की बादशाह में जाना है? हालेलुया, हालेलुया. हमने कहा जा रहा जी खुदा की बादशाह में जाना है, और हमें उसके लिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है. अगर दूल्हे को देर भी लग जाती है तो हम फिर भी अपने आप को रेडी रखें ताकि उसको देर हो जाए या सवेर हो जाए, हम उसके साथ उसकी बारात में दाखिल हो. हालेलुया, क्योंकि जब वो पांच वापस आते हैं तो क्या होता है, दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से क्या आवाज आती है, आई डोंट नो हु यू आर, मैं तुम्हें नहीं जानता, आप जाओ तो मौजा करो. तो बात वाली भोजे कौन सी है, द पेन पेन फॉर लाइफ. क्या कहते हैं, that's why we should have to be repent. The first thing we need to prepare ourselves to repentance. Kya karna hai, gunah ki maafi mangni hai, jo khudaand ke raaste mein aati hai, jo hamare raaste mein aati hain, hame khuda tak nahi le jana chahti, hame us gunahon se kya karna hai, maafi mangni hai. We have to ask for the forgiveness and to repentance for our sins to God. Hallelujah. हमें अपने आप को क्या करना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है ताकि हम खुदावंत की उस बादशाही में दाखिल हों. गुनाहगार तो दाखिल नहीं होगा ना जी, नहीं होगा, हो जाएगा.
चलिए गुनाहगार भी हो सकता है, कहना पता नहीं, और गुनाहगार तो तभी होगा ना जी जब वो गुनाह से माफी मांगेगा और खुदा उसको माफ करेगा। हेलो लियो, क्या हमें अपने आप अपने गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत है? As you know that Jesus preached, repent, the time is near for the kingdom of God. Hallelujah. खुदावन्द ने क्या कहा? तौबा करो क्योंकि वक्त नजदीक है और खुदा की बादशाही आने वाली है। हालांकि 6000 साल पहले यह पैगाम हो चुका है और आज भी हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं। And now these days we see the time is very, very near. और हमें ये नजर आ रहा है कि वक्त बड़ा नजदीक है, हमें अपने आप को तैयार करना है that we can go into the kingdom of God. क्योंकि गुनाह जो है वो हमें खुदा की तरफ क्या करता है, खुदा से दूर रखता है। You see, if you say some people, hey, let's go to church, my church, let's pray together. What they gonna say? Oh, sorry, I have no time, right? अगर आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं, किसी भाई को कहते हैं, आए यार चल चलते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो क्या कहेगा जी? Sorry, I have no time. Oh, I have no time. यार मेरे को वक्त नहीं है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। But if you say, hey, let's go to the alcohol party. अगर हम बोले राजा भाई फिर बोतलें खोलते हैं चले आए फिर तो क्या होगा जी? वो दो बंदों को फोन बुलाएगा फ्री दी अपने बाबा आज भी जीते हैं। I can postpone my other schedule and go with you. All right, right. Then he will call more people to come to join the party. Right. Because they are far away from God. क्योंकि वो खुदा से दूर हैं। उनके पास they have not the fear of God, वो खुदा के खौफ से दूर हैं, उस गजब से दूर हैं जो खुदावन्द ने कहा है कि तुम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे तो तुम कहाँ जाओगे जी? जहन्नम में जाओगे। और वहां क्या होगा जी? वहां क्या होगा? वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो साया कहना है वो एक कतरा ही मिल जाए वहां मेरी जुबान उतर कर दोगी। We need to understand what the Bible says. Hallelujah. It's very important that we need to understand about and we have to ask God for the forgiveness of our sins. क्या मैं खुदावन से अपनी गुनाहों की क्या करनी है? माफी मांगनी है, अपने आप को पाक सुथरा करना है, तभी खुदावन हमारे पास आएगा। Hallelujah. और the चीज है वो हमें अपनी जिंदगियों को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है जी? ट्रांसफॉर्म करना है, बदल डालना है। और हम कैसे बदल सकते हैं जी? आज वादा करके कल तोड़ देता चलो जी बदल गई। टुडे यू